हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय ट्यूब चैनल चैप्टर वन से एग्जांपल वन करेंगे आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स नीचे तीन स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स और अपने आंसर का रीजन भी दीजिए फर्स्ट पार्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर स्टेटमेंट कहती है कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है अब होल नंबर पहले समझ लीजिए क्या होते हैं देखिए होल का मतलब होता है सारे सारे नंबर और नंबर शुरू होते हैं जीरो से जीरो भी तक नंबर होता है ना जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और वन टू थ्री फोर इंफिनिटी तक चले जाते हैं तो हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये वन से शुरू होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन अब स्टेटमेंट कह रही है कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है अब नेचुरल नंबर्स के अंदर तो गिनती वन से शुरू होती है और होल नंबर में जीरो भी आता है अगर आपको जीरो दे दे और कहा है कि ये क्या ये क्या नेचुरल नंबर है तो इसका आंसर तो होगा नो तो हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है क्योंकि होल नंबर में जीरो भी होता है ना और जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं होता तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स ये गलत है रीजन मैंने आपको यह बताई दिया सेकेंड स्टेटमेंट देखिए सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर कहता है एवरी इंटीजर इज आर रैशनल नंबर हर इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है पहले इंटीजर समझ लीजिए इंटीजर्स आपको पता होंगे कि सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर और जो जीरो होता है वो इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन आपने बनाई होगी छोटी क्लासेस में जीरो जीरो के राइट right में वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन ये पॉजिटिव नंबर्स चले जाते हैं और जीरो से लेफ्ट में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन ये सारे नेगेटिव नंबर्स इधर चले जाते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर्स जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स ये होते हैं इंटीजर्स स्टेटमेंट कहता है हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर होने की कंडीशन ये है कि नंबर आपका p बाय क्यू की फॉर्म का होना चाहिए जो p बाई क्यू की फॉर्म का नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है अब यहां से कोई भी इंटीजर आप उठा लीजिए लेट सपोज मैं -3 उठा लेता हूं। तो -3 के नीचे तो कुछ भी नहीं है जब कुछ नहीं होता तो वन होता है तो यहां साफ दिख रहा है कि माइनस थ्री तो है p के बराबर और q के बराबर यहां वन हो गया कोई भी इंटीजर ले लो आप, आप जीरो भी लोगे ना तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो वन है तो यहां पे ये पी हो गया और ये क्यू हो गया तो कोई भी इंटीजर नेगेटिव हो चाहे जीरो हो चाहे पॉजिटिव हो वो पी बाय क्यू की फॉर्म का होता है इसलिए हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है तो सेकेंड स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है रीजन यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तीसरी स्टेटमेंट देखिए एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर ये इसका उल्टा है स्टेटमेंट का कि हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है अब रैशनल नंबर मैंने बताया कि P by Q की फॉर्म के होते हैं तो मैंने लिख दिया थ्री अपॉन एट थ्री अपॉन एट एक रैशनल नंबर है जैसे ये पी हो गया ये क्यू हो गया लेकिन ये थ्री अपॉन एट ये इंटीजर तो नहीं है ना इंटीजर में अकेला ही नंबर होता है इसके नीचे कोई वन से अलग कोई और नंबर नहीं होता है यहां तो एट है तो थ्री बाय एट ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है तो हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है इसका आंसर हुआ फॉल्स ये इसका रीजन है लास्ट पार्ट था क्वेश्चन खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय